दोस्तों हम आया हूँ आपको बता देता हूँ इंडिया में पैसा के लिए। मेरा पैसा बांग्लादेश में किसी ने टान लिया, वो तो बच गया मोबाइल वोबाइल, आसपास में गाड़ी रहती है, हमने ध्यान भी नहीं दिया कहाँ पैसा टाना, पर्स था ऊपर में, हमारा कैश मिल गया, अभी चलते हैं, कैश का ज़रूरत है, कैश बिना गाड़ी अटक गई है बांग्लादेश में, तो पहले गाड़ी को निकाल के लाते हैं। अभी हम बांग्लादेश में आ गया और हमारा गेट पास रिसीप सब कुछ ले लिए, पैसा के लिए रुका हुआ था, नहीं तो पहले 2 घंटा पहले ही गाड़ी निकल गई होती, वापस जाके पैसा लेके आए आप लोग। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। हम अभी है बांग्लादेश में, ये है बांग्लादेश, आप लोग देख सकते हैं ये बांग्लादेश के सब मकान है और यहाँ पे इंडिया की गाड़ी, तो ये सब गाड़ी प्याज लेके आई है और ये प्याज की गोडाउन है, सब यहाँ पे प्याज के व्यापारी है, उनका ऑफिस है और ये है हमारी गाड़ी, मेरी गाड़ी में हल्दी लोड है। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा हम लोग पार्किंग से निकल के आकर गाड़ी वहाँ मेन रोड पे खड़ा कर दिए, अंदर जगह नहीं था, रात को खाली नहीं होता, अभी सुबह 2 गाड़ी थे, 1 गाड़ी लगी है पॉइंट पे, वो खाली हो रही है और मेरी वो हो जाने के बाद हमारी जाएगी। तो अब चलिए चलते हैं, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कर लीजिए और आज का अपना बांग्लादेश का जर्नी स्टार्ट करते हैं। मतलब गाड़ी खाली करवाना है या खाली करके यहाँ से निकाल के हमको इंडिया जाना है, यहाँ बहुत परेशानी है भाई। पहले तो यहाँ इतना गर्म है ना, हम 7-8 दिन उधर महाराष्ट्र में रहते हैं, उधर हिंद महासागर है, अरब सी के नज़दीक जब रहते हैं तो पूरा ठंडा रहते हैं, कूल, उधर का मौसम अलग है, जैसे इधर हम हिंद महासागर में आते हैं तो इतना टेम्परेचर है यहाँ की बोलिए। ये सुबह सुबह धूप निकला है, एकदम हवा नहीं कुछ नहीं, एकदम गर्मी से लोग परेशान है, ये देखिए पूरा हाल है यहाँ पे। यहाँ से गाड़ी खाली करवा के हम लोग जल्दी से निकलने का कोशिश कर रहे हैं। फाइनली हमारी गाड़ी खाली होने लगी और हम लोग गोडाउन में माल उतार रहे हैं और ये देख लीजिए, ये है बांग्लादेश की गांव और ये है गोडाउन, यहाँ पे गाड़ी खाली हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और भाई बहुत गर्म है यहाँ पे, यहाँ इतना गर्म है ना, टेम्परेचर है कि बोलिए मत। देखिए ये लोग खाली कर रहे हैं, ठीक है, भालो भालो भालो। और चलिए आपको गोडाउन के अंदर दिखाते हैं, गोडाउन में माल रखा जा रहा है, ये यहाँ पे, ये देखिए ये गोडाउन, यहाँ माल रखा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे गर्म बहुत है, यहाँ पे इतना टेम्परेचर है ना कि अब बोलिए मत, थोड़ा सा भी कुछ काम हो देखिए पसीना सूख ही नहीं रहा है, ऐसी होता है यहाँ पे, इस इलाके में बहुत गर्म होता है, तभी यहाँ के लोग मतलब खुला बदन ज्यादा रहते हैं। लेते हैं, खाली हो जाएगा तो हम लोग भी चल जाएंगे। दोस्तों फाइनली हमारी गाड़ी खाली हो गया है, गाड़ी देखिए पूरा खाली होके डाला बंद कर दिए हम लोग, क्योंकि अंदर में सामान है। अब चलते हैं गाड़ी लेके कांटा पे, अभी कांटा कराएंगे, बाहर में कांटा हुआ था, फिर कांटा होने के बाद रिसीव मिलेगा, फिर हम लोग निकलेंगे, वो गेट पास भी मिलेगा जो एक्सपोर्ट का कागज़ बनता है वो उनके पास होता है, पार्टी के पास। और यहाँ से गाड़ी निकालने में बहुत जद्दोजहद है भाई, यहाँ देखिए ऐसा जगह में गाड़ी लगा ना, गाड़ी वहाँ पर 2 पेड़ है, गाड़ी लेके आने में बहुत परेशानी हुआ, अभी लेके जाने में रिवर्स करके और भी ज़्यादा परेशानी होगा। चलिए क्या करें, उधर अच्छा नहीं लगता है तो अब बांग्लादेश आएंगे तो चलो ये तो झेलना पड़ेगा बांग्लादेश में। गाड़ी निकाल रहे हैं दोस्तों, पूरा कादा कादा भरा हुआ है, गाड़ी भी हमारी फंस गई। अभी कांटा करवा रहे हैं, ये बाहर का कांटा है, उस पार्किंग में भी कांटा हुआ था लेकिन अभी आपस उसमें नहीं जाना है, गाड़ी कांटा पे लग गई है। और ये सब बांग्लादेश का गोडाउन है, ये शायद सरकारी गोडाउन है, यहाँ पे लोग माल रखते हैं, देख लीजिए ये है बांग्लादेश का गांव, बांग्लादेश की गाड़ी। तो अभी हम इंडिया में आए हैं और इंडिया में मैं गाड़ी छोड़ के ही आया हूँ बांग्लादेश, पैदल में आया हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, चलिए आपको बताएंगे। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो अभी थोड़ा एक बिस्कुट खाया और चाय पी ले रहा हूँ। और ये है इंडिया, यहीं पर पास में चेक पोस्ट है, तो चलिए यहाँ एक काम के लिए आया हूँ, काम हो जाएगा तो वापस रिटर्न जाएंगे, गाड़ी को लेके आना है। तो दोस्तों हम आया हूँ आपको बता देता हूँ इंडिया में पैसा के लिए, मेरा पैसा बांग्लादेश में किसी ने टान लिया, वो तो बच गया मोबाइल वोबाइल, आसपास में गाड़ी रहती है, हमने ध्यान भी नहीं दिया कहाँ पैसा टाना, पर्स था ऊपर में, चोर को मालूम रहता परफेक्ट कहाँ पैसा होगा, ड्राइवर ही चोरी करते हैं, आजू बाजू में गाड़ी रहती है, अब कहाँ खींच लिए ध्यान पे नहीं है, गाड़ी खाली कराया पैसा, पर्स खोज रहे हैं तो पर्स मिल ही नहीं रहा है, मतलब गायब कर दिए। चलिए अब क्या करें, मैं इंडिया की गाड़ी, इंडिया में बैठा हूँ, अभी पैसा मंगाया हो तो अभी आ जाएगा तो पैसा निकाल के मैं फिर वापस बांग्लादेश जाऊँगा। दोस्तों हमारा कैश मिल गया, अभी चलते हैं, कैश का ज़रूरत है, कैश बिना गाड़ी अटक गई है बांग्लादेश में, तो पहले गाड़ी को निकाल के लाते हैं। दोस्तों अभी हम बांग्लादेश में आ गया और हमारा गेट पास रिसीव सब कुछ ले लिए, पैसा के लिए रुका हुआ था, नहीं तो पहले 2 घंटा पहले ही गाड़ी निकल गई होती, वापस जाके पैसा लेके आए आप लोग देखें। चलिए अब गाड़ी को खोलते हैं, पहले इंडिया में चलते हैं भाई,
हाँ धूला उड़ रहा है यहाँ, बोलिए मत, गाड़ी पूरा गंदा हो गया। धूप तो कहना नहीं, इतना धूप है कि अब बोलिए मत, पूरा एकदम जल रहा है शरीर। गाड़ी स्टार्ट कर लिया, अब गाड़ी निकालते हैं और फिर आगे इंडिया में चल के नहाएंगे धोएंगे। भाई एकदम थक गए हैं, खाना भी नहीं खाए हैं। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे गजा में, गाड़ी निकालने में जितना मेहनत है उतना ही ढुकाने में है। इधर भी क्या करें, ऐसा ही यही हाल है बांग्लादेश का। अभी इधर से गाड़ी निकालना है, हम लोग अभी आउट करवा रहे हैं गाड़ी बांग्लादेश बॉर्डर, तो आउट करा के फिर निकलते हैं। ये देखिए पूरा गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, ये मिर्ची गाड़ी है, मिर्ची लोड है इसमें। दोस्तों अब आ गए हम लोग इंडिया में, ये है हमारा इंडिया, मेरा देश महान। दोस्तों अभी चले हैं कांटा पे, ये है 5 स्टार कांटा। तो हम लोग यहीं पे कांटा करवाए थे आने के टाइम लोड गाड़ी, तो ये हमारा जो है यहाँ का कांटा से लेना देना होता है भाड़ा का। यहाँ कटवा करवा लिए, कितना माल हो रहा है, जितना लोडिंग किए थे उतना माल होना चाहिए, यहाँ जितना बांग्लादेश खाली किए उतना होना चाहिए। दोस्तों कांटा हो गया और यहाँ पे माल हुआ 30 टन 320, हम लोग लोड किए थे 30 टन 320 केजी माल बड़ा है। अब चलिए अच्छा से कहीं पार्किंग कर देते हैं, पार्किंग करके फिर नहाते धोते हैं भाई। अभी हम लोग पार्किंग में लगा दिए यहाँ पे गाड़ी, और यहाँ पे मस्त चापाकल है, बाथरूम वगैरह सब कुछ है, तो हम लोग यहीं पे अब नहा धोवा लेंगे भाई। बहुत एकदम गर्मी से बेहाल हो गए हैं, बांग्लादेश में बहुत गर्म लग रहा था, पता नहीं क्यों, वहाँ पॉपुलेशन और ट्रैफिक भी ज़्यादा है, गाड़ी घोड़ा गचर मचर, बाप रे बाप, परेशान हो गया। चलिए नहाते हैं, गाड़ी का दशा देख लीजिए क्या हुआ है, पूरा धूला धूला हो गया, इतना धूला उड़ रहा है वहाँ पे। दोस्तों शाम के 6 बज रहे हैं, ज़्यादा ही हो गया है, अंधेरा हो गया है। हम लोग थोड़ा लेट निकले बांग्लादेश से और नहाते नहाते 5 बज गया ऑलरेडी, तो अभी गाड़ी में लाइट वाइट लगा लिए हैं, मस्त बत्ती उत्ती जलाने के लिए रुक गए हैं, और सारा दिन खाना नहीं खाया, तो अब चलते हैं थोड़ा मार्केट में, कुछ नाश्ता पानी करके आते हैं। ये रहा पार्किंग, और लोडिंग के लिए भी बात करना है, कहीं कुछ मिल जाए लोडिंग तो कल डीओ ले लेंगे लोड के लिए। तो आ गए पार्किंग के बाहर, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, गाड़ी जब तक खाली नहीं होती ना बांग्लादेश में, तब तक दिमाग मने अस्थिर नहीं रहता है, क्यों पता ही नहीं चलता कब जाएगी या 10 दिन खड़े रहेगी। कभी कभी हल्दी के गाड़ी एक गाड़ी महाराष्ट्र से ही आई थी, 22 दिन पे खाली होके गई, और हम लोग भी आए तो ऐसे ही डर रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी 4थे दिन आज खाली होके निकल गई। तो 3 दिन 4 दिन में खाली होके निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो लंबी इतने दिन 20 दिन 22 दिन फंसती है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ये रहा सामने मार्केट, और ये है पार्किंग हम लोगों का, इसी में गाड़ी है हमारी। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए स्वीट्स की दुकान है मिठाई की, और बंगाल में मिठाई अफगाना भी एक है, कोलकाता का रसगुल्ला मशहूर है, बहुत कुछ आइटम है। तो यहाँ तो रबड़ी है, हमारा है फेवरेट रबड़ी, क्या खाए, रबड़ी दीजिए, रबड़ी दीजिए, बुनिया है, सेव है क्या। दोस्तों हमने रबड़ी लिया और रबड़ी खा रहे हैं, बढ़िया है भाई। धर्मेंद्र भी खा रहा है रबड़ी। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं मोबाइल दुकान में, ये माइक लिया हूँ, वायर वाला माइक है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में वॉइस कैसा है। हम लोग 2 दिन पहले यहाँ आए थे तो ये लीड ले लिया, हमें ज़रूरत था ये, चलिए उस टाइम समझ में नहीं आया, ये भी बताया नहीं, हम इनको बोला वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है। हम लोग यहाँ से निकलेंगे, गाड़ी स्टार्ट कर लिए, हवा बना रहे हैं, और अभी 9:30 बजने वाले हैं, और आगे चलते हैं, थोड़ा चाय वाय पियेंगे, यहाँ पर बारिश भी हो रहा है और नेट नहीं काम कर रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ का है नेट। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा चाय वाय पियेंगे फिर निकलेंगे, और आपको बताएंगे कहाँ का लोडिंग के लिए हमने डीओ लिया है। अभी हम लोग चले आए हैं, मतलब निकल गए हैं, और बसीरहाट यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर है, और हमारी गाड़ी कल का लोडिंग है रावल किला का, और लोड है बेस्ट मटेरियल, तो चलिए आपको दिखाएंगे कल। गाड़ी हम लोग वहाँ खड़ा कर दिए हैं, यहाँ पे एक राइस मिल है और साथ में चाय दुकान है, तो चलते हैं चाय पी लेते हैं, मैं बिस्कुट खा रहा हूँ, थोड़ा भूख लगा है। तो 10 बज गए दोस्तों, अब चलते हैं, और दूसरी जो गाड़ी थी MH नंबर, वो भी उसका भी हमारे एक साथ दोनों गाड़ी का लोडिंग है, तो मैं वेट कर रहा हूँ, वो गाड़ी पार्किंग में दूसरी पार्किंग में लगी थी, तो चलते हैं आगे कहीं रुकेंगे, वो आ जाएगा तो फिर साथ में जाएंगे पॉइंट पे।
रात के 11:30 बज रहे हैं, हम लोग आ गए हैं एक होटल में, बारा साहब से पीछे हैं, तो आज बोले यहीं पे खा लेते हैं, क्यों हम लोग उधर खाना नहीं खाए थे आज दिन में, तो भूख भी लगी है, खाना लग चुका है, और बबुआ बोला है चना मसाला और हमारा है तड़का, तो चलिए मिर्ची प्याज रोटी है, आते हैं। लगता लखन का भर गया है, पानी दोस्तों हमारा खाना पीना हो गया, हम लोग गाड़ी में अब चले आए खाकर, भूख लगी थी, दिन में खाया नहीं था, बोले चलो खा लेते हैं, अब यहीं पे रुक जाएंगे, यहाँ से 12-7 10 किलोमीटर है, और बाली ब्रिज वहाँ से 10 माने 20 किलोमीटर है, और गाड़ी बाली ब्रिज के आसपास से लोडिंग है, तो चलते हैं यहीं पे रुक जाते हैं, यहाँ से 5 बजे निकलेंगे, 4 बजे 5 बजे, और चलिए चल के आराम करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।